हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज हम आपको बताने वाले हैं जो वेप का साइट होता है, आप देखे होंगे, देखिए स्क्रीनशॉट। वेप का साइट जो होता है, जो डीजे गाना अपलोडिंग, जो म्यूजिक वेबसाइट होता है जहाँ से आप म्यूजिक डाउनलोड करते हैं, M3 गाना डाउनलोड करते हैं, वो वाला साइट को आज हम डिलीट करके दिखाने वाले हैं। जिन लोगों को वेप का साइट मतलब कि डीजे वाला वेबसाइट डिलीट करना नहीं आता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आप सीख भी जाइएगा कि किस तरह से किसी भी वेबसाइट को 1 मिनट में धड़ल्ले से आप डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गए हैं और देखिए यही वेबसाइट है मेरा जिसको हम डिलीट करने वाले हैं। हम डिलीट इसलिए करने वाले हैं कि देखिए इसका जो लोगो जो आपको दिख रहा है इस तरह से है, और मोबाइल में जो दिखाता है कुछ इस तरह से दिखाता है, जिसके वजह से हम बहुत कोडिंग किए हैं, क्या किए हैं, CSS किए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों दिखा रहा है, जिसके वजह से मुझे इस साइट को डिलीट करना है, क्योंकि अब हम इसको यूज नहीं करते हैं, जिसके वजह से मुझे इस वेबसाइट को डिलीट करना पड़ रहा है। तो देख लीजिए आप, जैसा MP3 वेबसाइट होता है, गाना डाउनलोड होता है, इसी तरह से वेबसाइट बनाए थे। बहुत मेहनत लगता है वेबसाइट बनाने में, तो बहुत ही आसान है डिलीट करना। तो चलिए हम आपको अब डिलीट करके दिखाएंगे। पहले हम वेबसाइट का एनालिटिक्स आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो यही है वेबकिज वेबसाइट, जहाँ से वेबसाइट बनता है। तो देखिए एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, उसके बाद देखिए आपको दिख रहा होगा स्टैटिक्स, इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें दिखाएगा आपके वेबसाइट पर जितने भी लोग विजिट किए हैं, कहाँ से विजिट किए हैं, क्या सर्च किए हैं, कितने लोग एक्टिव है, सारा चीज़ दिखाएगा। अब डिलीट करने के लिए गाइस, पैनल मोड जो दिख रहा है आपको, पैनल मोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये वेबसाइट डिजाइन करने वाला पैनल है। उसके बाद देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा डिलीट दिस साइट, देखिए डिलीट दिस साइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए कुछ लिख भी सकते हैं ना भी, फिर डिलीट दिस साइट जो लिखा हुआ है ब्लू कलर में, जो लिखा हुआ है ब्लू बॉक्स में, उस पर क्लिक करने के बाद देखिए लिख दिया योर साइट डिलीट रिक्वेस्टेड रिसीव नेक्स्ट 48 घंटा, मतलब अगले 48 घंटे में आपका साइट डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरह से वेबसाइट डिलीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।